यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है, आज सातवां दिन है। ऐसे में देखा जाए तो चारों तरफ तबाही का मंजर है, चारों तरफ चीख पुकार मच रही है, बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, फायरिंग भी की जा रही है। रूसी सैनिक लगातार खार्कीव और कीव में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, ये सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा है इसमें ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हुई है, पंजाब का रहने वाला छात्र बताया जा रहा है। छात्र की मौत हालांकि हार्ट अटैक से हुई है, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर की पुष्टि की है, हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि देखा जाए तो भारतीय छात्र हजारों की संख्या में अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कुछों को लगातार मिशन गंगा के तहत भारत वापस लाया जा रहा है, लेकिन अब भी हालत भारतीयों की मां बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इंडियन एम्बेसी लगातार संपर्क में है छात्रों के। ऐसी ही खबर कल भी सामने आई थी जहां कर्नाटक के नवीन की इस युद्ध में मौत हो गई थी, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से बात की थी, उनको सांत्वना दी थी, उनको धैर्य बनाया था।